सो हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच बिफोर बाय। सो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका आईफोन जो है इस तरह से जो है रिकवरी मोड पे स्टक हो जाता है, या फिर ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, एप्पल लोगों पे स्टक हो जाता है, या फिर डीएफयू या बूट लूप मोड पे चला जाता है, तो उस वक्त में जो है काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है और आपका फोन जो इसी तरह से ब्लैक स्क्रीन पे जो है स्टक हो जाता है। सो आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इजी मेथड्स बताने वाला हूँ इस चीज से बाहर आने के लिए, इस चीज का सोल्यूशन क्या है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो बेसिक मेथड है कि आपका जो वॉल्यूम अप डाउन और जो लॉक स्क्रीन है इसको कहते हैं हार्ड रिसेट, जो सिंपली आपको जो है तीनों साइमल्टेनियसली प्लेस कर लेना है जब तक आपको जो है एप्पल का लोगो यहाँ पे नहीं दिख जाता है, बिल्कुल इस तरह से। बट कई बार जो है ये मेथड भी काम नहीं करता, बेसिक सॉल्यूशन है, इसी से आपका जो है बहुत बार रिकवरी मोड जो है हट जाता है, आपका फोन इजीली बूट हो जाता है। बट अगर ये मेथड काम नहीं करे और फिर से जो है आपको इसी तरह की अगर स्क्रीन देखने के लिए मिले, तब यहाँ पे जो है आपको मदद लगेगी किसी सॉफ्टवेयर की और आपको जो है इसको अपने लैपटॉप, मैकबुक या डेस्कटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने आईफोन को जो है कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप या मैकबुक से, और यहाँ पे जो है आप लोग को एक सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा जिसका नाम है टिनोरशेयर की तरफ से ये iRebot No. 1 फ्री iOS सिस्टम रिपेयर एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर। ये काफी ज्यादा जो है ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले भी इसको यूज किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके फीचर्स लिखे हुए, फ्री इंटर रिकवरी मोड विद वन क्लिक ऑन डिवाइसेस एंड इजीली एग्जिट व्हेन नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग फ्री में रिकवरी मोड वगैरह जो है एंटर एंड एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे इसके और भी कुछ फीचर्स लिखे हुए, रिपेयर 150 प्लस iOS, iPad, TVOS, macOS सिस्टम इश्यूज लाइक स्टक ऑन एप्पल लोगो, ब्लैक स्क्रीन और डेथ विदाउट लूजिंग डेटा। यानी अगर आप लोग का जो है स्टक हो गया है एप्पल लोगो पे, या फिर ब्लैक स्क्रीन आ रही है, या फिर जो है iOS अपडेट करने के टाइम जो है इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम जो है 150 प्लस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। सपोर्ट द लेटेस्ट iOS, जो भी लेटेस्ट iOS थे वो सपोर्ट करता है iPad पे, macOS पे और iPhone के ऊपर, और रीसेट iOS अपडेट, macOS रीसेट वगैरह भी यहाँ से आप लोग कर सकते हो विदाउट पासकोड वगैरह। और कभी आप लोग अपना iPhone वगैरह सोल्ड आउट करना चाहते हो, ट्रेड इन करना चाहते हो, तो इररिवर्सिबली इरेज डेटा भी यहाँ पे जो है सपोर्ट करता है, और भी काफी सारे इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो इसका डाउनलोड वाला ऑप्शन है, फ्री डाउनलोड भी है, बाय नाउ वाला ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप अपने मैक या विंडोज के लिए जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे जो है हम फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हो इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे जो एक पॉपअप आ गया और ये डाउनलोडिंग पे चला गया है। और डाउनलोड होने के बाद आप लोग देख सकते हो इस तरह का जो है कुछ इसका इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो अभी यहाँ पे जो हम अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स को जो है कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है इसने डिटेक्ट कर लिया आईफोन 14 प्रो मैक्स कनेक्टेड, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग काफ़ी सारे इसके इंटरेस्टिंग फीचर है। सिंगल क्लिक पे जो है आप रिकवरी मोड पे इंटर और एग्जिट कर सकते हो, वन क्लिक रीसेट है, iOS अपग्रेड डिग्रेड है, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है रिकवरी मोड को जो है हम एग्जिट पे क्लिक करके फटाफट से जो है रिकवरी मोड से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ सेकंड का टाइम लेगा और सक्सेसफुली इसने जो है रीसेट मोड से हमारे आईफोन को जो है यहाँ पे एग्जिट करवा दिया। आप लोग चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे काफी इजी तरीके से हो गया है। तो काफी इजी तरीके से आप जो है रिकवरी मोड में एंटर और एग्जिट दोनों कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो iOS अपग्रेड और डीग्रेड वाला भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, और iOS 17 को जो है सपोर्ट भी करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपग्रेड और डाउनग्रेड वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे दे दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ जो है अगर मान लीजिए कि आपका जो है रिकवरी मोड से जो है ये मेथड करने के बाद भी जो एग्जिट वगैरह नहीं हो रहा है या कुछ और भी इश्यूज आप लोग फेस, तब यहाँ पे आता है हमारा थर्ड मेथड। आपको जो है यहाँ पे स्टार्ट रिपेयर वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टैंडर्ड रिपेयर कीप डेटा, आपको हमेशा जो है स्टैंडर्ड रिपेयर ही करना है, तो यहाँ पे जो आपका डेटा एकदम सेफ रहेगा। डीप रिपेयर में जो है डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड रिपेयर ही करना, और स्टैंडर्ड रिपेयर से जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे जो है सॉल्व हो जाएगी। स्टैंडर्ड रिपेयर पे आप लोग क्लिक करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आगे जो है इस तरह से आप लोग को कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे जैसे बता रहा है आपको बस वैसे वैसे करना है। और उसके बाद जैसे ही आप लोग जो है स्टैंडर्ड रिपेयर को स्टार्ट कर देते हो, तकरीबन कुछ मिनट्स का यहाँ पे टाइम लग सकता है, और जैसे ही ये सक्सेसफुल होगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है स्टैंडर्ड रिपेयर कंप्लीट। तो काफी ज्यादा इजी तरीके से इसने जो है सारी चीजों को सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिपेयर कंप्लीट होने के बाद जो है हमारा आईफोन जो है पहले से ज्यादा स्मूथ हो गया, और इसके अंदर अभी जो है कोई भी इश्यूज वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है काफी इजी तरीके से जो है टिनोरशेयर री आई बूट सॉफ्टवेयर की मदद से जो है हमारा काम हो गया। अगर आप लोग बाहर जो है कोई शॉप वगैरह से उसको कराने जाते हो, तो वहाँ पे आपके डेटा की गारंटी भी नहीं होती और आपसे जो है काफी ज्यादा चार्जेस भी ले लिए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है दोस्तों टिनोरशेयर री आई बूट सॉफ्टवेयर का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जाकर जो इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट आपको जो है लिमिटेड चीजों को एक्सेस मिलता है। यहाँ पे जो इसका एक पेड वर्जन भी आता है जिसके प्राइसेस आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग जो इसका मंथली लाइसेंस भी ले सकते हो, वन ईयर का लाइसेंस भी ले सकते हो, लाइफ टाइम लाइसेंस भी ले सकते हो, और इसकी मदद से जो आपके आईफोन के जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग के कुछ थॉट्स वगैरह तो कमेंट करके जरूर से बताना, मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।